आशा कैसे जोकर बनी हुई हो ना? ना आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कैसे जोकर वाला आईशैडो कर लिया अपना। ओके बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेस्टिनी। दिस इज मी शानवी उपाध्याय एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इस ब्यूटी गेस्ट पैलेट के बारे में। स्पेसिफिकली मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है इस पे। और प्लीज बने रहिए, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आई शेडो के ऊपर जो कि बेसिक है बट बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत यूजफुल है और हर कोई नहीं बताएगा, एंड आई एम डैम श्योर कि हर किसी को पता भी नहीं होगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि मैं रिवील करने वाली हूँ एंड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। अगर हम बात करें इस ब्यूटी ग्लेज्ड पैलेट की, ये कलर बोर्ड, तो इसके पहले मैं एडवांटेजेस की बात कर लेती हूँ। तो एडवांटेज में फर्स्ट थिंग, बहुत ही अफोर्डेबल है, और उसमें भी आप अमेजोन पे देखोगे तो 400 समथिंग ऐसे कुछ में आपको मिलेंगे ये पैलेट्स। बट अगर आप मीशो पे चेक करोगे, बिकॉज आई गॉट इट फ्रॉम मीशो, तो मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर ले रहे हो तो मीशो से लेना और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 386 का मैंने इसे परचेज किया था। मीशो पे कई सेलर्स हैं तो आप उस पर ज़रूर चेक कर लेना और रिव्यूज देख लेना साथ में, तो आपको जिसका अच्छा लगे वहाँ से आप परचेज कर लेना। फिलहाल तो मैंने 386 वाला प्राइस रेंज जहाँ पे था वहाँ से इसे बाई किया, और मतलब दिस इज़ गुड इनफ फॉर अ बिगिनर। अगेन आई सेइंग बिगिनर के लिए सर, ठीक है। अभी हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये सब कवर कर लेंगे, ठीक। तो सेकेंड पॉइंट अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो वो ये है कि इस पे सारे टाइप्स के शेड हैं। सारे टाइप्स के शेड से मेरा मतलब है कि नॉन ग्लिटर्स, ग्लिटर एंड शिमर, तो ये तीनों टाइप के शेड्स हैं, और इनमें भी कई सारी वैरायटीज हैं। मतलब वाइब्रेंट भी कलर्स हैं, डल भी कलर्स हैं, सटल मतलब जो थोड़े डल डल होते हैं वो, और थोड़े डार्क शेड्स भी हैं, तो आपका सब कुछ इससे हो जाएगा ऑलमोस्ट। और मतलब गोल्डन, सिल्वर, ये सारे शेड्स भी हैं, तो अच्छे से आपका सब कुछ इसमें। हाइलाइटिंग ब्लश, क्योंकि मैंने पहले बताया, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी तो, कि मैं सब कुछ इन्हीं पैलेट से कर लेती हूँ, मतलब इसी पैलेट से मैं कर लेती हूँ अपना हाइलाइटिंग ब्लश एंड आई शेडो, तो इससे हो जाता है ये सारा कुछ कवर। अगर आपने ये ले लिया तो आई डोंट थिंक सो आपको अलग से ब्लश लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अलग से हाइलाइटर लेने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो कि एडवांटेज है अगेन, कि इसमें वैरायटीज बहुत है। अगर हम ग्रीन भी शेड्स देखें इसमें, लेट मी शो यू, हाँ, तो अगर हम ग्रीन शेड्स भी देखें तो आप देख सकते हैं कई सारी डिफरेंट उसमें शेड्स हैं। डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, ग्लिटर तो है ही है, और डार्क ग्रीन में भी है वैरायटीज, ठीक है। और फिर ऐसे ही आप अगर ऑरेंज भी देखो तो ऑरेंज में भी काफ़ी वैरायटीज हैं। तो जिस अकॉर्डिंग से इसका प्राइस है उसके बेसिस पे दिस पैलेट इज रियली वेरी नाइस। अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूर आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 3 एडवांटेजेस। पिगमेंटेशन की बात करें तो पिगमेंटेशन भी ठीक है, ओके मतलब हाँ चल जाएगा काम उसका, उससे आपका तो यस। तो ये थे एडवांटेजेस। अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो जैसे कि ये मतलब अमेजोन पे अगर आप देखोगे तो 400 समथिंग का पड़ेगा, और उसमें ये क्लेम करता है कि 61 शेड्स आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। 61 शेड्स, ऐसे तो आपको लगेगा वाह 61 शेड्स है, और आपको मिलेगा भी तो कोई वो नहीं दिखेगा, कि आप धोखा नहीं ही खाओगे सरफेस पे, लेकिन देन यू डिग डीपर ना, देन यू नो कि क्या झोल है। तो मैं बता देती हूँ झोल क्या है एक्चुअली में। तो व्हेन आई रिसीव्ड, तो मुझे भी लगा यार दिस इज नाइस, ठीक है। बट देन जब मैंने देखा तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इसमें कई सारे शेड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये ग्रीन शेड्स देखिए आप, रिपीट हो रहा है। ये ग्लिटर ग्रीन शेड देखिए, ये भी रिपीट हो रहा है। ये येल्लो शेड नेक्स्ट वाले में भी है, ये देखिए, ये देखिए, ये पर्पल सेम, ये पर्पल सेम, ये जो ब्लू ग्लिटर है वो इसके पहले वाले में भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ। तो इसमें कई सारे जो शेड्स हैं वो रिपीट होते हैं, बहुत से हैं, अभी मैंने तो कुछ ही दिखाए, मतलब कुछ और हैं, थोड़े एक दो और हैं। तो ऐसे करके कई सारे शेड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आपको 61 शेड्स मिल गए एक ही पैलेट में, बट वो ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ तो रिपीट हो रहे हैं, तो वो 61 एग्जैक्टली आपको नहीं देते हैं।
बट इट्स स्टिल फाइन. अगर आप भाई, मैंने कहा अगर आप बिगिनर हो तो ठीक, मतलब चीज़ें अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हो, बहुत अच्छे से नहीं आया है, सीख रहे हो आप एकदम. अगर आपको न्यू लुक्स लेकिन क्रिएट करने हैं, मतलब आप थोड़ा बहुत जान गए हो आई शेडो के बारे में, कैसे लगाना है, क्या करना है, आई मेकअप के बारे में आप समझ गए हो चीज़ें काफ़ी कुछ, तब आपको लगेगा यार कि और कोई पैलेट होता, मतलब और पैलेट्स होते या तो आपको तब ऐसा लगेगा. लेकिन अगर आप न्यू भी हो, मतलब बिल्कुल नहीं आता है अभी स्टार्टिंग में, बस प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छा है. तो ये था डिसएडवांटेज हमारा पहला. और अब हम आ जाते हैं सेकंड डिसएडवांटेज पे, वो है इसका ग्लिटर शेड. इसका ग्लिटर शेड बहुत ज़्यादा फॉल होता है, मतलब एक स्पेस पे, मतलब एकदम टिका हुआ नहीं रहता, ये स्प्रेड होता है बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाता है. मतलब अगर आपने लगाया तो आपके पूरे मतलब आईज पे फैल जाएगा. और ये देखो, ये तो मेरे हाथ में ही रह गया, अगर देख रहे हो आप, ये स्टिक नहीं हो रहा है स्किन पे. तो ये हो गया हमारा सेकंड डिसएडवांटेज. अब मैं इसी पैलेट को यूज़ करके आपको एक अपना आई मेकअप आज का करूँगी, तो आप देख लेना इसकी पिगमेंटेशन क्या है, ठीक है. क्योंकि कुछ शेड्स की तो काफ़ी सही है पिगमेंटेशन, जो मतलब थोड़ा डार्क है, बट जो वाइब्रेंट कलर्स है ना, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कलर्स की मैं बात कर रही हूँ. अभी आप ये येल्लो देखो, तो ये जब मैं आईज पे अपने लगाऊंगी ना, पता चल रहा है बिल्कुल भी तो ये नहीं उतना अच्छे से पता चलता है, ठीक है. थोड़ा थोड़ा सा काम हो जाता है, मगर बहुत अच्छा पिगमेंटेशन नहीं है. तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपना आई मेकअप. मैंने बेस वगैरह सब करा हुआ था, क्योंकि वीडियो मुझे लंबी नहीं करनी थी, तो इसलिए अब मैं आई मेकअप आपको इस पैलेट का यूज करके दिखाती हूँ. तो अभी फिलहाल मैंने पिंक पहना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना आई मेकअप करने जा रही हूँ. ब्रश ले लेते हैं, मैं इसे ब्रश से करती हूँ, ठीक है. तो ये जो हल्का पर्पल लैवेंडर काइंड ऑफ शेड है ना, ये वाला, ये लाइट वाला एकदम, इसे यूज करके बनाना है, ठीक है. इसे पहले अप्लाई कर लेते हैं अपने आई लिड पे पूरे. कलर आ रहा है, आपको लगा कलर आ रहा है, बहुत हल्का हल्का आ रहा है. मैंने जबकि कंसीलर अपने आंखों पे अप्लाई करा हुआ है, बट इसकी पिगमेंटेशन बहुत कुछ अच्छी नहीं है, ये कुछ देर बाद गायब हो जाएगा एकदम. इस आई पे भी अप्लाई कर लेते हैं. ये मैंने अपना आई मेकअप, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ से तो पूरा ये गायब ही हो रहा है. ऐसे मैं कर रही हूँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ अप्लाई किया है. ये डार्क शेड तो थोड़ा विजिबल है, बट जो मैंने लैवेंडर शेड लगाया था वो तो यहाँ से कैमरा तो अच्छे से पता नहीं कैच कर पा रहा है कि नहीं, बट आप देखो यहाँ से ये गायब हो चुका है कम्प्लीटली. तो ये था इस पैलेट का वर्क. कुछ शेड्स अच्छे से वर्क करते हैं और कुछ है ऐसे डामाडोल टाइप का, इसका थोड़ा सा काम है. अब मैंने कहा था एक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी जो कि बहुत यूज़फुल होने वाली है, मतलब हर कोई नहीं बताएगा वो, ऐसी चीज़ है. तो वो ये है कि जो थ्री टाइप्स ऑफ शेड होते हैं, जैसे ग्लिटर, नॉन ग्लिटर और एक शिमरी टाइप का, उन्हें कहते क्या क्या है, उन्हें उनके नाम एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है. तो अब जैसे कि ये नॉन ग्लिटर वाला ग्रीन ले लेते हैं हम, ये ग्रीन है, इस पे कोई स्पार्कल नहीं है, बिल्कुल भी कोई शिमर नहीं है. ये देखो, ये इसे कहते हैं मैट आई शेडो, क्योंकि कोई स्पार्कल नहीं है, कोई ग्लिटर नहीं है, मैट इफेक्ट देता है, तो ऑब्वियसली इसका नाम मैट आई शेडो है, ठीक है. अब उसी में हम एक ये शिमर वाला शेड ले लेते हैं, ये जो ये देखो, ये शिमर शेड जो है
इनका आप देखो इसमें जो स्पार्कल है, जो ग्लिटर है, वो बहुत छोटे एकदम टाइनी पार्टिकल्स हैं, बहुत स्मॉल हैं और बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से, मतलब गैप नहीं है. जब आप इसको अप्लाई करते देखो, ब्लेंड करोगे तो गैप बिल्कुल नहीं है, ठीक है. तो इन्हें कहते हैं फ्रॉस्ट, इन्हें फ्रॉस्ट शेड कहते हैं, इनका नाम फ्रॉस्ट शेड होता है. बहुत लोग शिमर या ग्लिटर, मैं भी बोलती हूँ इसलिए क्योंकि सबको नहीं पता होता कि फ्रॉस्ट कहते हैं, तो इसलिए मैं शिमर शिमर करती हूँ, बट एक्चुअल में इसका नाम फ्रॉस्ट शेड है. मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बोला भी है कि इसको फ्रॉस्ट शेड हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ऐसे करके मैंने बोला भी है फर्स्ट वीडियो में, तो अगर आपने देखा हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी आपको पता चल गया. अब हम ग्लिटर शेड ले लेते हैं, ये ग्लिटर शेड ले लेते हैं. इनके पार्टिकल्स देखो आप, इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ठीक. और जब आप इसे लगा के, मतलब थोड़ा सही से लगाना, तो देखोगे आप इनमें गैप होता है थोड़ा एक दूसरे में, मतलब एकदम एकदम क्लोज नहीं होते, इतने क्लोज नहीं होते जितना ये होता है, ये एकदम क्लोज होते हैं, बिल्कुल कोई गैप नहीं होता, बट इनमें थोड़ा गैप होता है अगर आप इन्हें अप्लाई करोगे, क्योंकि बड़े पार्टिकल है तो वो थोड़ी थोड़ी बहुत स्लाइटली गैप रहता है आपस में, ठीक. तो इन्हें हम ग्लिटर शेड ही कहते हैं, इनका ग्लिटर शेड ही नाम है. तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन के बाद, नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट एंड एंजॉयड इट. तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो. दैट्स इट, ठीक है, बाय. Love you and take care.